एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। हमने आज यहाँ पे चैप्टर 9 को लिया है, 9.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बोल रहा है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज़। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हमें फटाक से समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर यही आइडेंटिटी पुटअप करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि ये जो हमारा 49 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो गया हमारा x प्लस 4y होल स्क्वायर माइनस, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। 7 जा 49 हो गया। अब बन गया कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है वो लिख देते हैं। यूजिंग क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और ये होता है इसका, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस ये इतना जो हमारा फॉर्म है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इतना हमें आंसर में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए ये पूरा है और ये बी है। तो ए हो गया हमारा एक्स प्लस 4y प्लस 7, सेकेंड है हमारा ए माइनस बी, ए है हमारा एक्स प्लस 4y माइनस 7b। बस ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मेहनत करनी है, बट ईजी हो जाएगा। चलिए साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राम हैज़ अ स्क्वायर फील्ड, क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स। अब क्या बता रहा है कि हमें जो ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स मीटर है। आगे बोल रहा है ही लेफ्ट 5 मीटर वाइड स्पेस। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे से उसने 5 मीटर चौड़ी स्पेस छोड़ी है, अलॉन्ग लेंथ एंड वाइड ऑफ द फील्ड फॉर पाथ। अब क्या बोल रहा है, ये जो हमारा स्क्वायर था, इसी में से उसने 5 मीटर, ये जो लेंथ है इधर भी और जो इसका ब्रेथ है इधर भी, दोनों तरफ इसने क्या छोड़ी है, जगह छोड़ी है रास्ते के लिए। व्हाट इज़ द रिमाइनिंग एरिया। तो अब ये जो बचा हुआ छोटा स्क्वायर बन गया हमारा, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इक्वेशन जमा लेते हैं। सॉल्व करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। डायग्राम हमारी बुक में बना हुआ है, फिर भी एक छोटा सा डायग्राम हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, और यहाँ पे इसने लिया है लेंथ और वाइड दोनों तरफ से 5 मीटर का रास्ता। इसकी पूरी लेंथ बता दी है इसने एक्स मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है ये जो हमारा छोटा स्क्वायर बचा है इसका एरिया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो जो लेंथ ऑफ द स्क्वायर दी हुई है हमें, वो क्या दी हुई है, लेंथ हमें क्या दी हुई है, एक्स मीटर। एक्स मीटर हमें दी हुई है लेंथ। अब क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, इसलिए इसकी ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली सेम होगी, जो लेंथ होगी वही उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो ये इसका ये वाइड भी उतना ही है, एक्स मीटर। ये हो गया हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी ब्रेथ। अब आगे बोल रहा है एरिया फाइंड आउट करना है, रिमाइनिंग एरिया। तो हमारा जो बचा हुआ एरिया है, वो हमारा एरिया निकालने के लिए हम कर सकते हैं रिमाइनिंग एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया निकालना क्या है, ये जो एक्स था इसमें से हमने क्या कम कर दिया, रास्ता के लिए 5 मीटर कम कर देंगे। तो रिमाइनिंग एरिया निकालने के लिए, रिमाइनिंग एरिया निकालना है मतलब हमारा हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और हमारा रिमाइनिंग जो क्या बन गया, लेंथ, वो क्या हो गया, लेंथ, इसको एल टू नाम दे देते हैं। हमारा जो रिमाइनिंग लेंथ बचा है वो क्या है, एक्स माइनस 5
और वैसे ही हमारा जो ब्रेथ बचा है वो भी क्या है, x माइनस फाइव। इस तरीके से ये x माइनस फाइव कहाँ से आया, क्योंकि हमने ये क्या किया है, जो रास्ता है उसे इसमें से माइनस कर दिया है। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमने इसे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो x माइनस फाइव लेंथ मल्टीप्लाई एक्स माइनस फाइव ब्रेथ, इसे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारी आइडेंटिटी का काम शुरू होता है। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर ये दो बार लिखा है इसका मतलब ये क्या है, x माइनस फाइव होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें हमें इसे पुट कर देना है, a ये है और b ये है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस टू, अब a है हमारा मल्टीप्लाई, क्या है हमारा a x है, फिर उसके बाद b क्या है हमारा फाइव है, अब उसके बाद प्लस फिर b क्या है हमारा फाइव है। बस हमने पुटअप कर दिया। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टू एक्स हो गया और टू फाइव ज़ा टेन एक्स हो गया प्लस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ये आ गया हमारा आंसर 25। ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस प्लस 25 स्क्वायर मीटर, ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।